इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 13 साल के बाद एक बड़ा फैसला आया। आपको बता दें कि नीतीश हत्याकांड मामले में एक बड़ा फैसला आया है। डीपी यादव के बेटे विकास और भतीजे को 25 साल की सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि 2002 में नीतीश की हत्या हुई थी, तो डीपी यादव के बेटे हैं विकास यादव। नीतीश कटारा मर्डर केस में एक बड़ा फैसला आया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में विकास यादव और उनके चचेरे भाई विशाल को 25 साल तक बिना किसी छूट के आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो अदालत ने इस मामले में तीसरे दोषी शुभदेव पहलवान को 20 साल तक बिना किसी छूट के आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि नीतीश की मां नीलम कटारा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोर्ट ने फांसी की सजा नहीं दी, लेकिन मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हूं और फैसले से पूरी तरह से सहमत हूं। आपको ये भी बता दें कि साल 2002 में फरवरी में नीतीश की हत्या हुई थी और इस हत्या को ऑनर किलिंग माना जाता है, क्योंकि नीतीश के प्रेम संबंध भारती के साथ थे जो कि डीपी यादव की बेटी है। तो 13 साल के बाद नीतीश हत्याकांड मामले में बड़ा फैसला आया है। डीपी यादव के बेटे विकास और भतीजे को 25 साल की सजा हुई है और 2002 में नीतीश कटारा की हत्या हुई थी और 13 साल के बाद इस हत्याकांड में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। पहलवान को 20 साल की सजा हुई है। 13 साल के बाद नीतीश हत्याकांड में एक बड़ा फैसला आया। डीपी यादव के बेटे विकास और भतीजे को 25 साल की सजा हुई है। 2002 में नीतीश की हत्या हुई थी। नीतीश कटारा हत्याकांड में बड़ा फैसला है। विकास और विशाल यादव को 25 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा और 25 साल की ये सजा हुई है। डीपी यादव के बेटे हैं विकास यादव। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुखदेव की को 20 साल की सजा हुई है। तो अदालत ने इस मामले में तीसरे दोषी सुखदेव पहलवान को 20 साल तक बिना किसी छूट के आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।